रहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी। वो दोनों ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती दिखी तो सिर्फ एक फिल्म में, लेकिन दशकों तक मिसाल बनी रही। ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। मोहन, रामू, मोहन, रुपहले पर्दे पर ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी उनकी दोस्ती की चर्चा खबरों की सुर्खियां बनती थी। पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। उनकी इकलौती फिल्म और इसके नगमों के सुपर डुपर हिट होने की मिसाल बरसों बाद भी दोहराई नहीं जा सकी। इस फिल्म ने रिलीज के साल हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में 6 पुरस्कार जीते थे, जो एक मिसाल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने के बावजूद इसके नायकों को दोबारा बॉलीवुड में नहीं देखा गया? राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक दोनों नौजवान कलाकार एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिए गए थे? और क्या आप यकीन कर सकते हैं इस साजिश को रचने का आरोप लगा उस वक्त के सुपरस्टार रहे एक अभिनेता पर जिसकी लोकप्रियता दांव पर लग गई थी? क्या था पूरा मामला और क्यों बरसों बाद भी उलझी है ये गुमशुदगी की गुत्थी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मोना। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे। तारीख थी 6 नवंबर 1964। उस दिन बॉलीवुड में सत्येन बोस द्वारा निर्देशित राजश्री बैनर की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दोस्ती। एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। इस फिल्म ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी। दो ऐसे दोस्तों की कहानी जिसमें एक नेत्रहीन है और दूसरा चलने से नाकाम, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये क्या है? मेरे पांव। पांव? हाँ, इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नैन ही वैसे मैं चरण ही। फिल्म की कहानी लिखी थी वाण भट्ट ने और संवाद व स्क्रीन प्ले लिखे थे गोविंद मुनिस ने। रोने से क्या होगा, इस दुनिया में गरीबों का जीना बड़ा कठिन है रामू। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें कोई चर्चित फिल्म स्टार या नामी गिरामी हीरोइन नहीं थी। इसमें दो किशोरों ने अदाकारी की थी जिनके नाम थे सुशील कुमार और सुधीर कुमार। सुख है एक चाँद ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी। ये दोनों फिल्मी दुनिया के कोई लोकप्रिय अभिनेता या स्टार पुत्र नहीं थे जिनकी कोई फैन फॉलोइंग हो, लेकिन यह फिल्म खासी हिट हुई और इस फिल्म ने दोनों को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। अच्छा रामू, तेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे? बहुत, रुपए मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। रफी साहब की मधुर आवाज हो या फिर सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी, इस फिल्म ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। यह फिल्म 4th मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में भी शामिल हुई थी और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में भी फिल्म ने 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म के रिलीज के साथ ही दोनों सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले दोनों स्टार्स उसके बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए? आखिर कहाँ गुम हो गए ये दोनों सितारे और क्या हुआ उनके साथ? आज हम आपको इनकी कहानी विस्तार से बताएंगे। रामू तू पास हो गया, रामू मैं फेल हो गया, मोहन मैं फेल हो गया, पास तो तू हुआ है, मुझे माफ कर दे भाई।
यह फिल्म कितनी बेहतरीन है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला था। इसके अलावा फिल्म को 1965 में फिल्म फेयर के बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जैसे अवार्ड्स मिले। फिल्म में 6 गाने थे जिसमें से 5 मोहम्मद रफ़ी और 1 लता मंगेशकर ने गाया था। फिर भी इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना अपने रिलीज के समय थे। चाहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मशहूर अभिनेता संजय खान ने भी इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में लीला चिटनिस, लीला मिश्रा, नाना पलसिकर, अभी भट्टाचार्य जैसे कलाकार थे जो लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री की शोभा बने रहे। लेकिन इसके मुख्य अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर कुमार दोनों एक तरह से लापता हो गए। आज स्कूल के रजिस्टर से भले ही तुम्हारा नाम कट जाए लेकिन एक दिन सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, देख लेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए तो एक खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि दोनों ही स्टार्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और इस एक्सीडेंट की साजिश के पीछे नाम लगाया गया मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का। हम आपको पहले ये बता दें कि यह एक महज अफवाह थी, न ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और न ही इसके पीछे किसी फिल्म स्टार का कोई हाथ था। इस फिल्म के बाद दोनों ही कलाकारों के साथ क्या हुआ यह जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उससे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। यहाँ हम आपको उन दोनों की ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। फिल्म में बैसाखी का सहारा लेकर चलने वाले रामनाथ उर्फ रामू का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हुआ और वो परिवार समेत गुजरात आ गए। बचपन में वो काफ़ी रईस थे पर बाद में उनके परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला। वो बम्बई आ गए जहाँ उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। इस सदमे में पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई और सुशील कुमार की माँ उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी जो बम्बई के चेंबूर इलाके में रहती थी वहाँ ले गई। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी माँ ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उन्होंने 2 सिंधी फिल्मों में काम किया जिसमें पहली थी अबाना। मशहूर एक्ट्रेस साधना के जीवन की भी यह पहली फिल्म थी। सुशील कुमार ने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उन्होंने 1958 में रिलीज हुई फिल्म फिर सुबह होगी से बॉलीवुड में एंट्री की। फिर अगले साल आई धूल का फूल और मैंने जीना सीख लिया। उसके अगले साल आई फिल्में काला बाजार, दिल भी तेरा हम भी तेरे, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे आदि फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया था। फिर उन्हें मिली फिल्म दोस्ती जिसमें उनकी सफलता ने आसमान की बुलंदियां छू ली। जीवन की हर परीक्षा में इसी तरह कामयाबी हासिल करो। आज मैं बड़ा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकता। फिल्म में नेत्रहीन लड़के मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार सावंत एक महाराष्ट्रीय परिवार में जन्मे थे। वो मुंबई के लालबाग परेल इलाके में रहते थे। सुधीर कुमार के मामा मशहूर फिल्मकार वी शांताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर में चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर कुमार ने 1964 में ही संत ज्ञानेश्वर फिल्म में भी काम किया था। फिल्म दोस्ती उनके जीवन में भी एक नई सुबह लेकर आई। दोनों रातों रात स्टार बन गए। लेकिन यह सफलता लंबे समय तक कायम न रह सकी। इस फिल्म के बाद दोस्ती के ही प्रोड्यूसर ताराचंद बरजात्या दोनों ही एक्टर्स को अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते थे लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की फिल्म बतौर लीड ज्वाइन कर ली थी इसलिए उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। फिर तो बरजात्या साहब ने सुशील कुमार को भी फिल्म के लिए मना कर दिया क्योंकि वो दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे। हालांकि उन्होंने सुशील कुमार से यह वायदा ज़रूर किया कि वो आगे भी उन्हें अपनी फिल्म में लेंगे। कुछ दूसरे प्रोड्यूसरों ने भी इस जोड़ी को आजमाना चाहा लेकिन सुधीर कुमार के साउथ चले जाने के कारण बात नहीं बनी।
इसके करीब चार साल बाद बड़जात्या साहब ने अपना वादा निभाया और सुशील कुमार को लेकर फिल्म तकदीर बनाई। यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर साधारण चली, लेकिन सुशील कुमार का मन तब फिल्मों से हट चुका था और उन्होंने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर की नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में ही रहे। इस बीच 1973 में वो देवानंद की फिल्म हीरा पन्ना में फ्लाइट पर शूट हुए एक सीन में भी दिखे। 1978 में उनकी शादी उनकी बचपन की दोस्त कोशी कोटवानी से हुई। दोनों की एक बेटी हुई किरण, जो बड़ी होकर अमेरिका के फ्लोरिडा में सेटल्ड हैं। अप्रैल 2016 में पत्नी के निधन के बाद सुशील कुमार अपना ज़्यादातर वक्त बेटी के साथ अमेरिका में ही गुजारते हैं। अब बात करें नेत्रहीन गायक मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर सावंत की। फिर रहा हूं भटकता मैं यहां से वहां। किस्मत ने उनका भी साथ नहीं दिया और उनकी फिल्मों के कई प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गए। उन्होंने दोस्ती के बाद 1966 में रिलीज हुई फिल्म लाडला और 1969 में आई जीने की राह जैसी फिल्मों में भी काम किया। माजी? हाँ बेटा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? कोई बेटा बेटी आपके पास नहीं रहता? हमारा भी एक बेटा था। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा और सुदर्शन ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। इसके बाद उनका फिल्मी करियर लगभग समाप्त हो गया और उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। सुधीर सावंत के बारे में आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह है कि 1993 में चिकन खाते वक्त उनके गले में हड्डी अटक गई और मुंबई में 93 दंगों के कारण लगे कर्फ्यू के कारण उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनका घाव बढ़ता गया और कैंसर बन गया। टाटा अस्पताल में भर्ती करने के कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। हालांकि सुधीर कुमार की बहनें शोभा और चित्रा की माने तो यह कहानी पूरी तरह सच नहीं है। बहरहाल 1993 में उनका निधन कैंसर के कारण हुआ था। तो यह थी कहानी फिल्म दोस्ती को ऐतिहासिक हिट बनाने वाले दोनों कलाकारों की। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको दोस्ती फिल्म के बारे में या कलाकारों के बारे में कुछ और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। एक और बात, अगर आपको फिल्म कहानियों और जानकारियों में दिलचस्पी हो तो हमारे एक और चैनल लेमन चूस कैंडी पर भी जा सकते हैं। इस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट मोना को इजाज़त। नमस्कार।